अस्सलामुअलैकुम, सेंटेंस करेक्शन रूल्स में खुश आमदीद। आज का रूल 21 हमारा, हम देखेंगे कि नन ऑफ किसी भी सेंटेंस के अंदर जो इस्तेमाल होता है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल वर्ब लेता है। वो बता रहे हैं कि नन ऑफ टेक्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स डिपेंड वेदर इट इज़ यूज्ड विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस। वो बता रहे हैं कि नन ऑफ जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस के अंदर जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो काउंटेबल नाउन है यानी कि उसको गिना जा सकता है या अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता, वाटर शुगर वगैरह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विद काउंटेबल नाउन्स यानी कि जिनको गिना जा सकता है, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इट टेक्स प्लूरल वर्ब। आमतौर पर ये प्लूरल वर्ब ही लेता है। जब भी काउंटेबल नाउन्स आते हैं तो नन ऑफ इस्तेमाल हुआ हो तो हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ इन इटसेल्फ ज्यादा चीजों की बात कर रहा होता है, ठीक है, बहुत सारों की बात कर रहा होता है, तो इसीलिए काउंटेबल नाउन में ये आमतौर पे प्लूरल वर्ब ले रहा होता है। ठीक है, इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। वो कहते हैं कि नन ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। अब नन ऑफ इन इटसेल्फ बहुत सारे बच्चों की बात करेगा और बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो वो काउंटेबल है, 5 होंगे, 10 होंगे, 15, 20, जितने भी होंगे ये countable है। तो none of अगर किसी भी सेंटेंस में countable noun के साथ इस्तेमाल हुआ हो तो वो अपने साथ plural verb लेगा, were इस्तेमाल होगा, यहाँ पे was इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह none of the students were present। students यहाँ पे plural है और countable है, तो इसीलिए यहाँ पे जो verb हमारा इस्तेमाल होगा वो plural verb ही इस्तेमाल होगा। लेकिन इस केस में none of the team was ready for the challenge, तो team यहाँ पे singular है और team वैसे भी जो टीम की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा टीम, ज्यूरी, कैटल वगैरह इस तरह कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। तो आप यूं समझ लें कि अगर नन ऑफ किसी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर वो किसी प्लूरल वर्ब के साथ, नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ हो, काउंटेबल प्लूरल नाउन हो, तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ठीक है, ये था नन ऑफ काउंटेबल नाउन के साथ जब वो प्लूरल वर्ब ले रहा था। लेकिन अगर नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, यानी कि ऐसे नाउन्स हो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर हमारा जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे यहां बताया हुआ है कि नन ऑफ द वाटर वॉज लेफ्ट। अब वाटर को काउंट तो नहीं किया जा सकता ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में है नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसको काउंट नहीं किया जा सकता। और एक और बात याद रखें, हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ पिछले लेक्चर्स में कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, कभी हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, हमेशा हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे, हमेशा हम न्यूज़ बोलेंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सारा हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह नन ऑफ द इक्विपमेंट वॉज फंक्शनल। इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये बहुत ज्यादा आया हुआ है और उसमें गलती नहीं करनी। इक्विपमेंट जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो आज के रूल में हमने डिस्कस किया है कि नन ऑफ अगर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी ऐसे नाउन के साथ आता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नन ऑफ आता है उसके साथ, तो हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर नन ऑफ किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ सेंटेंस में आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट है, तो फिर हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। ये था आज का हमारा रूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट रूल में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।